नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोमीडिया फ्लैश के अंदर किस तरीके से हम वॉच को बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारी वॉच तैयार होगी। दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले कंट्रोल एन से आपको एक न्यू पेज लेना है। ठीक है, न्यू पेज लेने के बाद लेयर वन डबल क्लिक, इसका नाम मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे फ्रेम। क्या नाम लिखा मैंने? फ्रेम, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, वॉच का फ्रेम तैयार करना है। आप वॉच जो है रेक्टेंगल में भी बना सकते हो, स्क्वायर में भी बना सकते हो, या ओवल में भी बना सकते हो। तो मैं फिलहाल अभी ओवल में बनाना सिखा रहा हूँ आपको। एक ओवल को ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, ओवल ड्रॉ करने से पहले अब इसके अंदर कलर फिल हो गया, कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ये जो आउटलाइन कलर है ये ब्लैक रखना और फिल कलर को नन कर देना। यहाँ पे आपको एक ओवल ड्रॉ करना है, फ्रे ट्रांसफॉर्म, ये जो लेयर का नाम हमने दिया है फ्रेम, इस पर क्लिक करना। ठीक है, इसके बाद इसके जो आउटलाइन है थोड़ी सी हमें बोल्ड करनी है, तो आउटलाइन पे क्लिक। नीचे प्रॉपर्टी है, यहाँ पे इसकी वेथ को मोटा कर देंगे थोड़ा। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी सी हमारे पास विड्थ मोटी हो। अब इस ओवल का मुझे सेंटर हेड देखना है, तो इसके लिए मेरे को रूलर को ऑन करना पड़ेगा। तो रूलर को ऑन करने के लिए व्यू रूलर शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट आर, आप इसका भी यूज कर सकते हो। यहाँ से रूलर को मैंने एग्जैक्ट सेट कर लिया। ठीक है दोस्तों, ये आपको प्रॉपरली अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। फिर मैंने इसको यहाँ से सेंटर हेड में सेट, इसके बाद मैंने एक फ्रेम और लिया, इसका मैंने नाम लिख दिया सेंटर। सेंटर नाम इसलिए लिया है क्योंकि मेरे को यहाँ पे इसके सेंटर में एक ओवल ड्रॉ करना है। जब ओवल ड्रॉ करोगे तो इसमें कलर ब्लैक फिल कर लेना और आउटलाइन कलर को आप हटा सकते हो। यहाँ पे आपको एक ओवल ड्रॉ करना है इस तरीके से। यहाँ से टूल लेना है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, लेयर पे क्लिक करना, इसको एग्जैक्ट सेंटर में सेट कर देना इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ से न्यू लेयर एक और इंसर्ट करनी है। इस पर मैंने डबल क्लिक करके नाम लिख दिया टाइम। इस पर आप टेक्स्ट टूल लेंगे और टाइम डिफाइन करेंगे। तो इसमें लिखा 12, लिखने के बाद इसको मूव करना है, एग्जैक्ट सेट होना चाहिए। कंट्रोल टी दबाया हमने, इसको भी हम उठा के यहाँ लेके आ गए। टेक्स्ट टूल को वापस सेलेक्ट करना, इसका नाम चेंज कर देना, नाम लिखा हमने 3। फ्रे ट्रांसफॉर्म इसको सेट करेंगे, फिर कंट्रोल डी, इसको उठा के यहाँ रखेंगे। फिर यहाँ से टेक्स्ट टूल इसको चेंज करना है, यहाँ लिखा हमने 6। फिर कंट्रोल डी, इसको उठा के फिर यहाँ रखेंगे टेक्स्ट टूल, इसको हमने यहाँ पे फिर चेंज। ठीक है दोस्तों, ये हमने क्या करा, यहाँ पे टाइम को सेट कर लिया। अब हमने एक न्यू लेयर और लिया जिसका मैंने टाइम लिख दिया, सॉरी जिसका मैंने नाम लिखा मिनट। फिर लेना है हमें लाइन, एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। अब मिनट की जो सुई होती है हमारे पास वो बड़ी होती है, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया उसको। इसको उठा के लेके जाने तो आपको यहाँ से सब सिलेक्शन टूल का यूज़ करना है, लाइन पे क्लिक करके आप मूव कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, एग्जैक्ट सेट कर लेना है। उसके बाद मैंने एक न्यू लेयर और लिया, ये हमने आवर्स की सुई क्रिएट की, लेयर का नाम चेंज कर देता हूँ मैं, आउट HR लिख दिया मैंने। वापस सब सिलेक्शन टू, इसको उठा के यहाँ इसको पहले रोटेट कर लेता हूँ। चलो इसको पहले लेके चलते हैं, उसके बाद हम इसको रोटेट कर देंगे। ये लेना है फ्री ट्रांसफॉर्म टू, लेयर पे क्लिक, इसको आप रोटेट कर लो। ठीक है, सब सिलेक्शन टूल को वापस सेलेक्ट करना है, इसको एग्जैक्ट यहाँ पे सेट कर, जैसे हमने
योग वाली, मिनट वाली को एग्जैक्ट सेट करा था, इसी तरीके से हमें आवर्स वाले को भी सेट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अब मेन हमारा जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो टाइमलाइन का है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये मेन चीज़ है। अगर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी तो आपकी वॉच रन नहीं होगी, ना ही आपको चलती हुई दिखेगी। तो इसके लिए मैंने क्या करा, 15 के टाइमलाइन को, टाइमलाइन सेट करने से पहले जो मिनट की सुई हम मूव करना चाहते हैं, एनिमेशन देना चाहते हैं, उस पर क्लिक करना है और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट करके रखना। इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको नीचे रखना है। ये जो हमारे पास टाइमलाइन है फर्स्ट वाला मिनट का, इस पर राइट क्लिक, क्रिएट मोशन ट्विन, ट्विन देने के बाद ये जो सेंटर पॉइंट है इसको वापस से हम नीचे रखें। 15 सेकेंड का हमने टाइमलाइन लिया, F6 बटन को प्रेस कर दिया, मिनट के लेयर पे वापस चलते हैं और जो टाइमलाइन है हमारा 15 वाला एंड पे, वहाँ पे क्लिक, इसको हम क्या करेंगे, रोटेट। रोटेट का ऑप्शन अपने आप आएगा दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर मूव करना इस तरीके से। ठीक है, इसको आप रोटेट कर देना 15 पे, गलत हो गया, ये रोटेट की जगह है इस तरीके। ठीक है, इसका फिर भी देख लेते हैं, एंटर मार्किंग ये देखो। फिर हमने 30 30 के टाइमलाइन पे सेट किया F6, वापस चलते हैं इस पे मिनट वाले पे, इसको वापस से हम रोटेट करेंगे 30 सेकेंड। इसको ये रोटेट होने में थोड़ी दिक्कत दे रहा है दोस्तों, जूम करके आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, तो फिलहाल मैं अभी जूम नहीं कर रहा इसको, मैं इसको रोटेट इस तरीके से नॉर्मली यूज़ कर। फिर हमने 45 के टाइम लाइन पे सेट किया, 6 यहाँ पे गए, इसको फिर हमने रोटेट कर दिया, फिर हम चलते हैं 60 F6, हमने इसको पूरा 1 मिनट तक मूव कर दिया, ये देखो दोस्तों। ये हमने मूव तो करा, लेकिन हमारी आवर वाली जो सुई है वो हमारी बिल्कुल भी मूव नहीं हुई, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने इसका सेंटर पॉइंट सेट किया, इसको बिल्कुल हल्का सा मूव नहीं हो रहा, तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ Ctrl+, यहाँ से बिल्कुल हल्का सा मूव कर दिया। सेकेंड वाले पे गई, वापस सेंटर पॉइंट को सेंटर पे लगाना, फिर इसको हल्का सा और मूव कर देना है। फिर नेक्स्ट पे गए, फिर सेंटर पॉइंट को सेट, फिर हमने इसको वापस थोड़ा सा और मूव, फिर लास्ट में गए, फिर सेंटर पॉइंट को मूव, Ctrl- एंटर बटन का यूज करते हैं, ये देखो दोस्तों, ये हल्की हल्की सी सुई हमारी मूव हो रही है। अब यहाँ पे क्या थोड़ी सी हमारी ये मिस्टेक हो चुकी है, इस वाले फ्रेम पे थोड़ी आगे आ गई, उसके बाद यहाँ पे वापस पीछे जा रही है, तो इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ 45 वाले पे, इसको हल्का सा ऊपर की तरफ रख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, इस तरीके से। ये मैंने अभी 1 मिनट के लिए बना दिया, इसी तरीके से आप 2 मिनट 5 मिनट पूरा 1 आवर का इजीली क्रिएट भी कर सकते हो। तो मैं एक और बना के दिखाता हूँ आपको, इसी के आगे 75 पर चलते हैं, F6 करने के बाद वापस, फिर वापस हमने इस मिनट वाली सुई को रोटेट किया इस तरीके से, और जो हमारी अभी जो आवर वाली है उसको हम लास्ट में मूव करेंगे, पहले हम मिनट वाली को यूज़ कर लेते हैं 19 पे, फिर गए हमने इसको फिर रोटेट कर दिया, ये देखो, फिर हम 105 पर चलते हैं। मैं 15 15 के डिस्टेंस पे ले रहा हूँ दोस्तों, आप इसको और इजीली फास्ट चलाना चाहते हो तो और टाइमलाइन आपका हम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये करा हमने 1 0 1 2,
जीरो एफ सिक्स, उसको फिर हम 12 पे रख देते हैं। ये रोटेट करने के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। अब चलते हैं, फर्स्ट हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया था, सेकंड हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो मैं वापस पेज को जूम कर लेता हूँ, सेंटर पॉइंट को वापस करते हैं, आगे सेंटर में बिल्कुल लगाना है आपको, बिल्कुल हल्का सा मूव कर। नेक्स्ट, फिर सेंटर पॉइंट मूव, नेक्स्ट फिर सेंटर पॉइंट मूव, फिर नेक्स्ट फिर सेंटर पॉइंट मूव, कंट्रोल माइनस एंटर करके फिर भी देखते हैं पहले हम। ये दोस्तों आपकी कंट्रोल एंटर करके आप इसका मूवी क्लिप भी देख सकते हो, बहुत ही इजीली आपकी वॉच बनके तैयार हो जाएगी जब आप इसका यूज करोगे स्टेप बाय स्टेप। इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है, डेकोरेट करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके आप शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।